हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके स्टडी क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पूरे वीडियो को जरूर देखें ताकि आपका आने वाले एग्जाम्स में हेल्प हो सके। तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक स्वायत्त निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, बी नोटबुक कंप्यूटर, सी वर्क स्टेशन, डी पीडीए। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो है बी नोटबुक कंप्यूटर, की एक ऐसा कंप्यूटर जिसको आप गोद में रख के ले जा सकते हो या चला सकते हो या कहीं भी ले जाया जा सकता है, उसको नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? ए मशीन से निम्न स्तर तक, बी निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, सी उच्च स्तर से कोडांतरण तक, डी कोडांतरण से मशीन तक। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो है डी कोडांतरण से मशीन तक, कि कोडांतरक है जो वो क्या करता है, कोडांतरण से मशीन में प्रोग्राम का रूपांतरण करता है। अगला क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, ए एक प्रोसेसर द्वारा, बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, सी बिना किसी प्रोसेसर के, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो है बी, कि मल्टी प्रोसेसिंग एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, ए बबल मेमोरी, बी फ्लॉपी डिस्क, सी सीडी रोम, डी कोर मेमोरीज। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो है सी सीडी रोम। सीडी रोम है जो वो ऑप्टिकल मेमोरी है। बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क और कोर मेमोरीज, ये तीनों ही ऑप्टिकल मेमोरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? ए माइक्रो, बी प्रोसेसर, सी आउटपुट, डी अरिथमेटिक या लॉजिक। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो है डी, कि सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और अरिथमेटिक या लॉजिक, ये तीनों यूनिट होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीपीयू के एएलयू में होता है, ए रैम स्पेस, बी रजिस्टर, सी बाइट स्पेस, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है बी रजिस्टर, कि सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होता है। अगला क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ए डिस्क यूनिट, बी मॉडम, सी एएलयू, डी कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पे जो सही आंसर है हमारा वो है सी एएलयू, कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के एएलयू भाग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वह है? ए प्रोसेसर, बी इनपुट डिवाइस, सी प्रोग्राम, डी प्रोटेक्टर। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो है ए प्रोसेसर, कि डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में जो परिवर्तित करता है उसको प्रोसेसर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं, ए एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम, बी एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, सी कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है हमारा वो है एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये तीनों ही प्रोसेसर के मुख्य भाग हैं। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ए कंट्रोल यूनिट, बी एएलयू, सी मेमोरी यूनिट, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो है ए कंट्रोल यूनिट, कि सीपीयू और इनपुट आउटपुट आउटपुट के बीच के सिग्नलों के मूवमेंट को कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, ए डेटा डिलीट करना, बी इनवॉइस बनाना, सी गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है सी गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फंक्शन गणनाएं और प्रोसेसिंग करना है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? ए डेटा को प्रोसेस करना, बी टेक्स्ट को स्कैन करना, सी इनपुट को स्वीकार करना, डी डेटा को स्टोर करना। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो है बी, टेक्स्ट को स्कैन करना ये कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, बल्कि डेटा को प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डेटा को स्टोर करना, ये तीनों कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है, परिचालन संपन्न करता है ए एल्गोरिदम, बी एरिथमेटिक, सी ASCII, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर है बी कि परिचालन को संपन्न कौन करता है, एरिथमेटिक। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? ए मदरबोर्ड, बी मेमोरी, सी सीपीयू, डी रैम। तो यहाँ पे जो सही आंसर है हमारा वो है सी सीपीयू, की कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ए प्रोसेसिंग, बी अंडरस्टैंडिंग, सी इंप्यूटिंग, डी आउटपुटिंग। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो है बी अंडरस्टैंडिंग, कि कंप्यूटर खुद से कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, जो हम उसको इनपुट देते हैं और जो आउटपुट हम चाहते हैं वो ही हमें देता है। तो यहाँ पे हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।